अब भाई मेरी मर्जी, मैं साफ बोलूँ, मैं किसी को मानूँ ना मानूँ, इसमें किसी की भावना आहत होने जैसी कोई बात ही नहीं है। भाई तुम मान लो, मैंने कहा मैं इस चीज़ को नहीं मानूंगी, ये थोड़ी ना बोला है कि आप भी मत मानो, ऐसा तो नहीं कहा ना। प्रतिज्ञा में सारी प्रतिज्ञा, भाई मैं ये काम नहीं करूंगी, ये नहीं लिखा कि तुम ये काम मत करो। ये जबरदस्ती वाली चीजें हुई हैं और ये जबरदस्ती इस्तीफा लिया गया है या दिया गया है, एक्चुअल चीज मुझे नहीं मालूम है। जो चीजें मेरे सामने हैं ये चीजें गलत है। लेकिन इस पूरे विवाद पर केजरीवाल का कोई बयान नहीं आया है। हाँ, ये सोचने वाली बात है, केजरीवाल जी का कोई बयान नहीं आया है, तो इस पर आप क्या सुनना चाहते हैं ये बता दीजिए। नहीं, क्या है उनके अंदर फिर मंशा ऐसी है? वो तो बाबा साहब के भक्त है ना। नहीं, खुलकर मंच पे कहते हैं वो। कहने में और करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। सिर्फ बाबा साहब का नाम लेने से, उनकी फोटो लगाने से कोई बाबा साहब के विचारों को फॉलो नहीं करता है। अगर बाबा साहब के विचारों को फॉलो किया जाता तो जात पात जैसी चीजें होती ही क्यों? क्योंकि बाबा साहब ने तो कड़ा प्रहार जात पात पे ही किया था, तो इतने ही बाबा साहब को मानने वाले हैं तो जात पात क्यों है? आज भी क्यों एक 9 साल के बच्चे को पानी पीने पे मार दिया जाता है? तो सिर्फ फोटो लगा रहे हैं केजरीवाल? सिर्फ फोटो लगा रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो मिशन चला रहे हैं। वो देखिए संविधान पढ़ाने की बात, वो मिशन सिर्फ सरकार बनाने का चला रहे हैं। आप बीजेपी को ले लीजिए या आम आदमी पार्टी को ले लीजिए या कांग्रेस को ले लीजिए, उनका जो भी मिशन है ऑल ओवर सरकार बनाने का है। उनका मतलब साम दाम दंड भेद कुछ भी कीजिए, उनकी सरकार बननी चाहिए, जिसके लिए वो दलितों को बेवकूफ बनाएंगे। केजरीवाल को डर नहीं लगा है CST का? इतना बड़ा वोट बैंक है दिल्ली में, उन्होंने आसानी से उनका इस्तीफा ले लिया। शायद इसके पीछे का एक रीजन ये भी हो सकता है कि उनको पता है कि हमारे लोगों की कमजोरी क्या है। हमारे लोगों की कमजोरी से वो खासतौर से अवगत है, क्योंकि जय भीम आज की तो बात नहीं है, पहले BSP की सरकार बनी है, बाबा साहब के विचारों की पहले भी बात हो चुकी है। फिर भी अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तो कहीं ना कहीं जो ये पिछड़ा वर्ग SC ST जो लोग हैं, उन्होंने अपनी कमजोरी ही शो की है, जो कि अपनी पार्टी होते हुए अपनी पार्टी की सरकार ना बनाकर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। लेकिन कहा जाता है जो बौद्ध धर्म है वो भी तो हिंदू धर्म की इकाई है, तो फिर इतनी दिक्कत क्यों? ये गलत इन्फॉर्मेशन है। कैसे इकाई हो जाएगा हिंदू धर्म की? क्या हिंदू धर्म है और क्या बौद्ध धर्म है बताइए? ये सब जो आज राजेंद्र तो अवतार भी बताते हैं गौतम बुद्ध को, वो तो कुछ भी कहेंगे, मैं तो आपको अवतार कह दूंगी तो आप अवतार थोड़ी ना हो जाएंगे। आप मुझे देवी कह देंगे तो मैं देवी थोड़ी ना हो जाऊंगी। रियलिटी तो समझनी पड़ेगी ना। आज राजेंद्र पाल जी एक मंत्री होकर जो कुछ भी कर रहे हैं, देखिए वो क्यों कर रहे हैं? वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो राजेंद्र पाल गौतम जी के लिए नहीं कर रहे हैं। आपने भी दीक्षा ली थी बौद्ध धर्म की, तो आपको क्या दिक्कत थी हिंदू धर्म से जो आपने बौद्ध धर्म को अपनाया? हिंदू धर्म पूरा ही दिक्कत वाला है। जो धर्म इंसान को इंसान से लड़वा दे, जो धर्म एक इंसान को दूसरे इंसान से भेदभाव करना सिखाए, जो धर्म एक इंसान को दूसरे इंसान का दुश्मन बना दे, ऐसे धर्म से किसको दिक्कत नहीं होगी? कहा वो तो कहते हैं भाईचारा फैलाता सब श्रेष्ठ धर्म है। उनके बोलने से क्या होता है? दिखता नहीं है क्या? अभी राजेंद्र पाल जी हर अपने वीडियो में बार बार यही बोल रहे कि हमारी बहन बेटियों का रेप होता है। सरकार है, लोकतंत्र है, संविधान है, उसके बावजूद हमारी बहन बेटियों का रेप क्यों होता है? क्यों पानी पीने पर मार दिया जाता है, मूंछ रखने पर मार दिया जाता है और घोड़ी चढ़ने पर मार दिया जाता है, क्यों? नहीं, उसके लिए काम कर रही है ना RSS। देखिए अब कह रहे जाति मुक्त भारत बनाएंगे। कब से काम कर रही है? कब से काम कर रही है? रेगुलर हर 10 मिनट में रेप हो रहा है, हर 10 मिनट में रेप हो रहा है। जिस देश में लोकतंत्र है, संविधान है, कानून है, उस देश में रेप कैसे हो सकता है? सरकार के हाथ में क्या नहीं है? लोकतंत्र उसमें लॉकडाउन में उनकी एक अनाउंसमेंट पे पूरा भारत लॉक हो गया था। उनकी एक अनाउंसमेंट पे क्या जातिवाद खत्म नहीं हो सकता? उनकी एक अनाउंसमेंट पे क्या रेप नहीं रुक सकते? मैं ऐसा नहीं मानती कि रेप नहीं रुक सकते। आप लोग भी तो नहीं चाहते ना जातिवाद खत्म हो? क्यों नहीं चाहते? हम तो चाहते हैं, तभी तो यहाँ आप में जातियाँ नहीं है। किसमें? आप लोगों में, बौद्ध धर्म में। बहुत जो SC ST है, SC ST खुद ही जाती है। SC ST का क्या मैं बोलूं, जातियाँ, ये हिंदुइज्म के थ्रू है। आपने बौद्ध धर्म अपनाया, आपको क्या अच्छाई नजर आती है बौद्ध धर्म में जो हिंदू धर्म छोड़कर आप बौद्ध धर्म में आ पाए? बौद्ध धर्म में ये अच्छाई है कि मैं कुछ भी खुलकर करती हूँ। यहाँ पर कोई जात पात नहीं होता है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब कुछ अपने कर्मों के आधार पर है। जैसा आप करना चाहो आप करो, आपको जहाँ शादी करनी है वहाँ शादी करो, आपको जहाँ से पानी पीना आप पानी पियो। ऑल ओवर बौद्ध धर्म आपको एक इंसान मानता है, समानता है, आपको इंसान मानता है, ना कि छोटा बड़ा, काला गोरा, लड़की लड़का, जो कि हिंदुइज्म में चलता है। ये महिलाओं के लिए है, ये पुरुषों के लिए है, ये शूद्रों के लिए है, ये ब्राह्मणों के लिए है, ऐसा आपको बौद्ध धर्म में कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जब इतना अच्छा है बौद्ध धर्म, तो फिर लोग इतना इसको अपना क्यों नहीं रहे? इसका पता नहीं या कमी कहे हम, यहाँ इतना प्रचार क्यों नहीं है फिर इसका? लोगों को ना, ये आपने बहुत सही बोला, लोगों को इन्फॉर्मेशन
होगी, क्योंकि देखिए मैं बाय बर्थ ही बुद्धिस्ट हूँ, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ। अगर मेरे पेरेंट्स ने इसको अडॉप्ट नहीं किया होता तो शायद मैं भी बौद्ध धर्म से बहुत दूर होती। अच्छा, आप बाय बर्थ हैं? मैं बाय बर्थ बुद्धिस्ट हूँ। आप लोग हिंदू धर्म को कमजोर करने में लगे हुए इसका मतलब है? हम डेफिनेटली करेंगे। आपको अगर ऐसा लगता है हम हिंदू धर्म को कमजोर करेंगे तो डेफिनेटली करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जो कोई भी चीज़ आरोप लग रहा ना आप लोगों पर, देखिए हिंदू देवी देवताओं का आप अपमान कर रहे हैं। हम अपमान नहीं कर रहे हैं, हमने कहाँ से अपमान कर दिया? मेरी मर्जी, मैं ये फोन है मेरा, मैं इसको लूँ या ना लूँ, मैं किसी देवता को पूजू या नहीं पूजू, मैं दिल्ली आऊँ, मैं मुंबई आऊँ, मैं यूपी जाऊँ, मैं हरियाणा जाऊँ, मेरी मर्जी है। हिंदू धर्म थोड़ा रोकता है क्या इन चीजों को सबको? हाँ जी, हिंदू धर्म ना जबरदस्ती करता है कि जबरदस्ती हमारे देवी देवताओं को मानो। आप मुस्लिम हो, आप हिंदू बन जाओ, आप बौद्ध धर्म के आप धर्म जाओ, तुम क्यों जबरदस्ती कर रहे हो भाई? अगर आपके हिंदू धर्म में कुछ भी अच्छा होगा तो लोग ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आएंगे। आप क्यों एक्स्ट्रा आप आरोप लगा रहे हो या एक्स्ट्रा बोल रहे हो? आप अपने धर्म की चीज़ों को देखो ना। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी शुरुआत में डायरेक्ट हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म लेने की बात नहीं कही थी, उन्होंने हिंदू धर्म में सुधार की बात कही थी। तो हिंदू धर्म में सुधार की अगर डॉक्टर अम्बेडकर जैसे व्यक्ति बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम करती है हिंदू धर्म में, जिसको छोड़कर लोग बुद्धिज्म में आ रहे हैं। आज राजेंद्र पाल जी ने मंत्री पद को छोड़ा है, मंत्री का कोई छोटा मोटा पद नहीं होता है, इतने बड़े पद को अगर वो छोड़ रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है समाज में, जो कि हिंदुइज्म को फॉलो करके या इस राजनीति का हिस्सा बन के हमारे लोगों को नुकसान दे रही है। इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा स्टेप उठाया है कि आज सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। प्रोग्राम में आप भी थी जो 5 अक्टूबर को हुआ था, पूरे देश भर में उन 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर बवाल है। उसी बवाल के सिले चलते चलते आज तमाम बहुजन समाज यहाँ दलित खासकर इकट्ठा हो गए, क्या कहना है? क्या ये आज अपनी ताकत दिखा रहे हैं? हाँ, कहीं ना कहीं ये कह तो सकते हैं कि आज ये जो लोग बुद्ध धर्म को मानने वाले हैं ये अपनी ताकत दिखा रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। किसको दिखाई जा रही है ताकत? सरकार को। कौन सी सरकार? जो केंद्र में है, जो दिल्ली में है। दलितों के वोट तो हासिल करती है लेकिन कहीं ना कहीं पीछे से वो अपने हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए कोशिश करती है, यानी कि वो जातिवाद को मजबूत करती है या हिंदुइज्म को मजबूत करती है। और हम सभी जानते हैं कि हिंदुइज्म और जातपात से देश का कितना नुकसान हुआ है, फिर भी वो उस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहती है कि जिससे कि जो पिछड़ा वर्ग पीछे ही रहे और हम आगे रहें। तो उस चीज़ पर एक अटैक तो हुआ ही है जिसकी वजह से आज लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मोहन भागवत कह रहे हैं कि जाति मुक्त बनाना है देश। अरे ये सब तो उनके प्रॉब्लम्स हैं, वो तो ये सब बोलते ही रहते हैं ताकि ये जो लोग हैं ये उनकी तरफ जाए। इसका कोई मतलब रियलिटी कुछ नहीं है इसमें। लेकिन 22 प्रतिज्ञाओं में ऐसा क्या गलत था जो इन्हें इस्तीफा देना पड़ा या इस्तीफा लिया गया? 22 प्रतिज्ञाओं में ऐसा कुछ भी गलत नहीं था।